हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल और इलिप्टिकल मार्किंग टूल के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, या आप फाइल मेन्यू में जाकर भी न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को नेम देंगे। हम यहाँ पर दे देते हैं LSOIT। उसके बाद हम यहाँ से प्रीसेट में से सेलेक्ट करेंगे डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज, देन ओके। तो आप देखेंगे कि हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पर टूल बॉक्स में से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे इसके ऑप्शंस यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो गए हैं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि न्यू सेलेक्शन का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट है। मीन्स जब भी आप एडोब फोटोशॉप CS5 में न्यू सेलेक्शन क्रिएट करते हैं, तो आप यहाँ से न्यू सेलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर प्लस का साइन हमें डिस्प्ले हो रहा है। मीन्स अब आप यहाँ पर सिलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने माउस को उस पोजीशन पर लेकर जाएंगे जहां से आप सिलेक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं। देन वहां पर आप लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और अपने माउस को ड्रैग करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये हमारी सिलेक्शन को क्रिएट कर रहा है। हमने यहाँ पर लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके रखा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर इसकी विड्थ को और बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, हाइट बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे सिलेक्शन आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करते हैं। आप देख सकते हैं इसने जो है एक सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट कर दी है। अगर आप सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करना चाहते हैं, आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ये हमारी सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करता है। हम फिर से सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट करते हैं। इसी तरह से ऑप्शंस बार पर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐड टू सिलेक्शन। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी इस वाली सिलेक्शन में कुछ पोर्शन और ऐड करना है, तो आप ऑप्शंस बार में जाकर सेलेक्ट करेंगे ऐड टू सिलेक्शन। जैसे ही आप ऐड टू सिलेक्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि प्लस का साइन भी आ रहा है और साथ में उसके नीचे एक छोटा सा प्लस का साइन है, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि अब हम यहाँ पर सिलेक्शन को ऐड कर रहे हैं। जहां पर भी आप सिलेक्शन को ऐड करना चाहते हैं, वहां पर आप अपने लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके रखेंगे और उसको ड्रैग करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये आपकी सिलेक्शन में उतना पोर्शन और ऐड कर देता है। जैसे भी आप रखना चाहते हैं उतने पोर्शन को आप ऐड कर लेंगे, आप देख सकते हैं। इसी तरह से फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। आपको लगता है कि कोई पार्ट आपको अपनी सिलेक्शन में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप पहले ऑप्शंस बार में जाकर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि प्लस का साइन आ रहा है, जिसके नीचे एक माइनस का साइन है छोटा सा, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि अब हम सिलेक्शन में से कुछ एरिया, कुछ पोर्शन सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वहां पर आप अपने माउस को लेके जाएंगे और सिंपली उसको ड्रैग करेंगे, तो आप देख सकते हैं इसने जो है हमारी सिलेक्शन में से वो एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप अपनी सिलेक्शन में ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट की हेल्प से उसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह से फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो हम यहाँ पर इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही हमने इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन को सेलेक्ट किया, तो प्लस के साइन के साथ यहाँ पर नीचे एक छोटा सा क्रॉस का साइन भी डिस्प्ले हो रहा है, जो हमें इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सपोज हम यहाँ पर इस पोर्शन को सेलेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का मीनिंग अब यहाँ पर ये है कि जो एरिया अभी हमने सेलेक्ट किया है, उस सिलेक्शन में जो एरिया कॉमन होगा, ये सिर्फ उसी को ही रखेगा और बाकी को हटा देगा। हम यहाँ पर एक बार लेफ्ट माउस क्लिक को रिलीज करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो एरिया हमारी सिलेक्शन में कॉमन था, सिर्फ वही एरिया हमें डिस्प्ले हो रहा है। मीन्स वही सिलेक्शन हमें डिस्प्ले हो रही है और बाकी की सिलेक्शन जो है वो हट गई है। हम यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करते हैं डिसलेक्ट करने के लिए। इसी तरह से अब हम यहाँ पर टूल बॉक्स में से राइट क्लिक करके इलिप्टिकल मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करते हैं। आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ एम प्रेस करके भी इलिप्टिकल मार्क्यू टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको सेम वही ऑप्शंस यहाँ पर भी डिस्प्ले होंगे। अगर हम इलिप्टिकल टूल से न्यू सिलेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इलिप्टिकल शेप में न्यू सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम अपनी सेलेक्शन में कुछ एरिया ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऐड टू सेलेक्शन, जो अभी हमने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल के साथ यूज किया था। तो आप देखेंगे कि हमारी सेलेक्शन में सिलेक्शन
सिलेक्शन जो है वो ऐड हो रही है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, हम इस पर क्लिक करते हैं। आप जो है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन की हेल्प से जो एरिया सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सेम वैसे ही वर्क करेंगे जैसे अभी हमने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल के साथ यूज किए हैं। इसी तरह से फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का। जितना एरिया हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसमें जो एरिया कॉमन होगा तो वही एरिया हमें डिस्प्ले होगा सिलेक्शन का, और बाकी का एरिया हट जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं डीसेलेक्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस की हेल्प से अपनी सिलेक्शन को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और इलिप्टिकल मार्क्यू टूल के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे।